Hello everyone, good morning all of you. Welcome to chemistry classes with your Daljit sir. Today we are discuss about some of naming reactions in your organic chemistry. Okay, आपने मेरे फर्स्ट सेकंड वीडियो में भी पहले वीडियो में देखा होगा कि मैंने कुछ नेमिंग रिएक्शंस करवाई थी. बच्चों कुछ आज करते हैं इनको, ठीक है, विद एंजॉय, इनके साथ एंजॉय कीजिए. प्लीज ओपन योर नोटबुक एंड योर पेन, योर पेंसिल विच कैन बी यूज टू राइट. तो अब हम किसके बारे में बात करेंगे भाई? हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शंस, नॉलेजेंस रिएक्शंस, लीडर मानसिस रिएक्शंस, साइमन रिएक्शंस, एंड मेयर शोटेनबॉमन रिएक्शंस, ओलेमन रिएक्शंस, टिसानको रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस, वुल्फ किसनर रिएक्शंस एंड मेनी मोर एंड मेनी मोर. देखो करते हैं इनको आराम से, एक एक रिएक्शन को करते हैं. और इनको करने से पहले आपको एक बात बता दूं, प्लीज नोट डाउन इट. That is very important for your examinations like CBC, HPSC, ICC board के लिए. तो first reaction is your Hoffman mustard oil reaction. First, हमें पास क्या है? हॉफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन. सीधी सी बात है, ऑयल रिएक्शन आ रही है. ऑयल हमारे लिक्विड फॉर्म में आता है. हम इसके लिए थे अमाइंस के साथ. किसके लिए थे भैया? इसको अमाइंस के साथ, यानी कि व्हेन एक मिक्सर होता है प्राइमरी अमाइन का, व्हेन ए मिक्सर ऑफ प्राइमरी अमाइन, फॉर एग्जांपल हमने लिया CH3CH2NH2, दैट इज योर प्राइमरी अमाइन. क्लियर? इसको जब मिलाया गया किसके साथ? कार्बन डाई सल्फाइड के साथ, कार्बन डाई सल्फाइड के साथ. किसके प्रेजेंस में? इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरी क्लोराइड, इन द प्रेजेंस ऑफ मर्क्यूरी क्लोराइड. फिर इसको क्या गया? हीट. और हीट करते ही जब प्राइमरी अमाइन कार्बन डाइसल्फाइड और मर्क्यूरिक क्लोराइड की प्रेजेंस में जब इसको हीट किया गया, तो यू कैन ऑब्टेन ए न्यू सॉल्यूशन, ए न्यू प्रोडक्ट, दैट इज योर एल्काइल आइसोथायोसाइनेट. हमारे पास क्या मिला? एल्काइल आइसोथायोसाइनेट विद ए कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ मस्टर्ड ऑयल. कैसी हमारे पास? वो एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल लाइक एज योर मस्टर्ड ऑयल. तो देखते हो क्या बनता है. हमारे पास इसे कंपाउंड बनाते हैं, दोबारा इसको गर्म करेंगे, हीट करेंगे, तो हमारे पास पहला जो प्रोडक्ट बनेगा फर्स्ट CH3CH2, यहां तक ठीक है. हमने फिर इसको क्या किया? H इस काट गया, S इस काट गया हमारे पास, ठीक है. हमने इसको छोड़ दिया हमारे पास NH. यहां तक देखिए, प्राइमरी अमाइन था, किसमें कन्वर्ट हो गया भैया? सेकेंडरी अमाइन में CSSH, एक एडिशन प्रोडक्ट. अब दोबारा इसको किसके साथ किया? मर्क्यूरी क्लोराइड. मैंने क्या कहा था? हीट. And you can obtain a alkyl isothiocyanate, ठीक है, alkyl isothiocyanate with a characteristic smell of mustard oil. तो हमें क्या मिला भाई यहाँ पे? CH3, CH2, यहाँ तक हो गया. अब यहाँ पे हो गया N, ठीक है. अब N है, H देखिए यहाँ से H2 एक है, हट गया. अब यहाँ से भी हट गया, क्या है? Double bond है. किसके साथ ये है? ये है हमारे पास, इसको लिख दूं मैं आपके पास, क्या होगा? C डबल बोन S. बाहर क्या निकल गया? HGS. ये आपके पास है. ये आपके पास कैसे आया? ये आपका है मस्टर्ड ऑयल. कैसे में रहेगा पास? मस्टर्ड ऑयल. तो दैट इज योर आपके पास. इसके साथ एक बात और भी है भैया आपके पास, और इसके साथ हमारे पास ये हमारे पास क्या हो गया? रिमूव हो गया. ये एच भी है, सी एल भी है. मान लीजिए निकालना ज्यादा चाहो तो एक मोल ऑफ एच सी एल ये रिमूव हो गया. दैट इज योर फर्स्ट रिएक्शन. दैट नेम इज हॉफमैन मस्टर्ड oil reactions. Okay, when primary amine, when mixture of primary amine is treated with carbon disulfide in the presence of mercury chloride and heated it, and you can obtain a substance that is like as product
alkyl isothiocyanate and with a characteristic smell mustard oil. That is your first reaction naming. अब बच्चों यहाँ पर एग्जाम के अंदर आपके नेमिंग रिएक्शन टाइप आएंगे, ऐसे कैसे लिखी हुई है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शन भी जहाँ पे लिखा मिलेगा, तो आपको ये रिएक्शन लिखनी है, पूरे नंबर आपको अपडेट हो जाएंगे. एंड योर सेकंड इज नोबल एंजल्स. नोबल एंजल्स रिएक्शंस की बात करते हैं. हमारे पास दैट इज ए नॉट इंपोर्टेंट कह सकते बट दैट इज वेरी इंपोर्टेंट टू प्रोडक्शंस. आपके पास किस चीज के लिए ये एल्डिहाइड की प्रोडक्शन में, किस रिएक्शन में आपके पास दिया एल्डिहाइड की रिएक्शंस में हमारे पास रिएक्शंस आ रही है. तो इसमें हमारे पास क्या कहते हैं कि कोई भी एल्डिहाइड है आपके पास, सी फॉर एग्जाम्पल CH3CHO, क्या होगा ये एसिटल एल्डिहाइड, क्या होगा पास एसिडल एल्डिहाइड, उसको कंटेनिंग करता है हमारे पास इन एक्टिव, आप पास एक इन इथाइलिन ग्रुप है. क्या कहेंगे भाई हमारे पास एल्डिहाइड रिएक्ट विद कंपाउंड कंटेनिंग इन इथाइलिन ग्रुप के पास, एक्टिव इन इथाइलिन ग्रुप के पास. तो हम इनको कह सकते हैं रिएक्शन करें किसके साथ, इन इथाइलिन ग्रुप, ये लीजिए CH2COOH in the presence of base, और उसको क्या किया भाई भैया हीट किया, ठीक है, हीट करते आपके पास क्या आ जाएगा CH3CH. देखो अगर मैं इसको खोल लू ऐसे O और H, तो यहां H और यहां O किस में निकल जाएगा H2O में, CO है ये किस में निकल जाएगा CO2 में, और जो कुछ बचेगा आप उसको लिख दीजिए. आपके पास क्या बच गया सी एच डबल बोन सी एच सी ओ ओ एच और सी ओ टू और बाहर क्या निकल गया एच टू. बात हो गई यहां तक, ये आपके पास हो गया क्रोटोनिक एसिड. क्या हो गया भैया क्रोटोनिक एसिड, सिंपल सी रिएक्शन थी. एसिटल एल्डिहाइड को जब कंपाउंड कंटेनिंग करता है एक्टिव इन इथाइलिन ग्रुप के पदार्थ इन द प्रेजेंस ऑफ ए ऑर्गेनिक बेस एंड हीटेड इट वी कैन ऑब्टेन इनटू आपके पास अनसैचुरेटेड एसिड. हमने क्या प्राप्त कर लिया अनसैचुरेटेड एसिड, दैट इज कॉल्ड क्रोटोनिक एसिड. दूसरा नाम भी दे सकते हो 1 2 3 4, फोर के लिए क्या है तो ब्यूट एन ओइक एसिड, तो ब्यूट हो गया हमारे पास वर्ड रूट 1 2 in 1 ओइक एसिड. आप इसे नाम एक और दे सकते हो ब्यूट 2 in 1 ओइक एसिड. तो दैट इज योर सेकंड रिएक्शन वी कंप्लीट. नाउ थर्ड इज बड़ी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, आप लोग इनको करोगे एक बार टू टाइम्स यू कैन डू इजिली. तो आपका सेकंड रिएक्शन विल बी कंप्लीट. नाउ थर्ड रिएक्शन लेडर मानसी रिएक्शंस. आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब यूनिट्स करते हैं अल्कोहल फिनोल एल्डिहाइड कीटोन्स या अमाइन्स या आपकी हैलोजेंस हैं, तो उनके अंदर नेमिंग रिएक्शंस भी आपको सेपरेटली करवाई जाती है, उसमें की है. बट स्पेशल मेरा जो टॉपिक है, मेरा ये जो वीडियो है स्पेशल आपका नेमिंग रिएक्शंस पे बेस्ड है बच्चों, आपको इसको देखना है कि नेमिंग रिएक्शन हमारे पास ही काम क्या करता है. अब जो लेडर मानसी रिएक्शंस दैट रिएक्शंस विल बी बेस्ड इन केस ऑफ अल्कोहल एंड फिनोल. इन फिनोल जब रिएक्ट करते हैं एल्डिहाइड के साथ, व्हेन फिनोल दैट इज योर फिनोल एंड रिएक्ट विद एल्डिहाइड दैट इज योर फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, कॉमन नेम क्या होगा इसका फॉर्मल्डिहाइड. एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ए बेस NaOH फिनोल एसिटाइल एल्डिहाइड के साथ क्या बेस की प्रेजेंस में किया भैया, वो आपके पास क्या बना देता है OH acids, CH2OH
OH ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे एल्कोली ग्रुप को जोड़ देता है हमारे पास, ठीक है। जैसे पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइल एल्कोहल, ठीक है ना, आप क्या होगा बेंजोइल अब उसका नाम लिखते हैं, वो किस पे है, ऑर्थो पोजीशन पे है, इसमें भैया ऑर्थो पोजीशन पे है। तो ये आपके पास बेंजीन की पैरा ऑर्थो मेटा हम लेते हैं किसके अकॉर्डिंग, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हैं, किसमें लेते हैं इनको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कोशिश करते हैं बिगिनिंग की बेंजीन को एंटी क्लॉक में ले लिया वैसे ले लिया मैंने, पैरा ऑर्थो और मेटा, मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस विल बी ऑकर्स एट पैरा पोजीशन पे देन ऑर्थो देन मेटा, ठीक है, इसलिए हम मेटा और ऑर्थो पैरा इसमें। नेक्स्ट जो रिएक्शन है फोर्थ, इसमें आपके पास क्या है कि फिनोल जो है वो कंडेंस हो जाता है विद डाया आपके पास पैथेटिक में, डाया पैथेटिक्स में दो में हो गए आपके पास, देखो एक ऑर्थो पोजीशन में हो गए एक पैरा पोजीशन में, एन एरोमेटिक एल्डिहाइड इन ए बीटा अल्फा या ऑर्थो और पैरा पोजीशन, ये बात तो क्लियर है कि भाई फिनोल किस पे आपके पास पोजीशन एडजस्ट हो गए ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, और ये आपके पास बेसिकली किस पे काम करती है, रिएक्शन दैट रिएक्शंस विल बी इंपॉर्टेंट, व्हाई, बिकॉज़ दैट इज द बेस्ड या फॉर प्रोड्यूस्ड फॉर प्रिपरेशन फॉर बैकलाइट, इसके लिए यूज करती है भैया प्रिपरेशन फॉर बैकलाइट। बैकलाइट के लिए यूज करते हैं इसको, ठीक है। And next fourth reaction. So that is your third reaction complete. Fourth reaction, Simon reaction. तो भाई मैंने आपको बताया कि रिएक्शन किसके लिए होती है, प्रिपरेशन ऑफ बैक्टेराइड विच कैन बी यूज इन योर नेक्स्ट सेकंड लास्ट चैप्टर पॉलीमर, उसमें आप उनको यूज करोगे फॉर कंडेंशन पॉलीमर्स आर ऑफ टू टाइप्स एडिशन और कंडेंसेशन, तो एग्जांपल है कंडेंसेशन पॉलीमर्स का बैकलाइट, वहां पर इसको हम यूज करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन जो आपकी भी पास भैया साइमन रिएक्शन, अभी साइमन रिएक्शन है ये आपकी होती है आपके अमाइल चैप्टर की, ठीक है, अमाइल्स में क्या होती है इसमें मैंजियम डाइएजोनियम क्लोराइड, ये देखिए लिख दिया आप इसको N2Cl को अगर ऐसे भी लिख देंगे अभी गलत नहीं है, ठीक है, वही बात है, हमने इसको इकट्ठा करके लिख दिया, आप बॉन्डिंग को लिख सकते हो इस प्रकार से, ये हो गया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को, ठीक है, इसको किसके साथ रिएक्ट किया, हाइड्रोजन बोरोन टेट्राफ्लोराइड HBF4 के साथ, ठीक है, यानी फ्लोरोबोरिक एसिड कह सकते हो इसको आप, फ्लोरोबोरिक एसिड, जब भी किसी के साथ रिएक्ट करेगा तो ये जो शुगर भैया उसमें से क्या है एक एच निकलेगा बाहर और एक सी एल है, ये देखिए आप हमारे पास क्या आ गया, ये सी एल हट गया, ये बी एफ फोर उसके साथ जुड़ गया और एच और सी एल क्या हो गया बाहर हो गया और आपके पास क्या बन गया एन टू बी एफ फोर बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट, ओके बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट, बेंजीन डायजोनियम फ्लोरोबोरेट, ठीक है भाई, अब इनको हमने क्या किया हीट किया, हीट करते हमारे पास क्या है BF3 बाहर चला जाएगा, बोरोन ट्राइड नाइट्रोजन गैस बाहर चली जाएगी, BF3 बोरोन ट्राइड फ्लोराइड N2 बाहर, और बच गया क्या हमारे पास फ्लोरोबेंजीन, क्या बच गया पास फ्लोरोबेंजीन, दैट इज योर साइमन रिएक्शंस, ठीक है, इसमें आपने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को हाइड्रोफ्लोरोबोरिक एसिड सॉरी हाइड्रोजन बोरोन टेट्राफ्लोराइड कह सकते थे इसके साथ किया और इन द प्रेजेंस ऑफ किसके साथ N2B बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के साथ किया, तो आपके पास हीट किया तो फ्लोरोबेंजीन, ये दैट इज फोर्थ रिएक्शन विल बी कंप्लीट। एंड नेक्स्ट द फिफ्थ दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन फिफ्थ इज सैंडमेयर रिएक्शन, देखिए आप डिपेंड
राइट डाउन इन योर नोटबुक आल्सो। 80 रिएक्शन हो रही है आपके पास, जल्दी नहीं है, बिल्कुल आराम से इनको देखिए, हर एक रिएक्शन को पार्स करके बता भी रहा हूं, उसमें दिखा रहे हैं आपको, तो चेक कीजिए इसमें, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो सेंट मेयर रिएक्शन की बात आते ही हमारे माइंड में क्या आती है, भाई सेंट मेयर की बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को क्यूप्रस क्लोराइड के साथ किया जाता है, हमारी रिएक्शन बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड को किसके साथ किया, क्यूप्रस क्लोराइड की प्रेजेंस में, CuCl। अब देखो क्यूप्रस क्लोराइड की प्रेजेंस में जब हम करते हैं कॉपर क्लोराइड क्यूपिक क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो एक बात तो सीधी सी है कि भाई इसके पास क्या हो जाएगा, ये काम क्या करेगा, ये क्लोरो बेंजीन बनाने में बाहर क्या निकाल देगा, N, क्या निकाल देगा बाहर भैया, N। अगर यही बात हम यहाँ पर CuCl की जगह क्यूपिक क्लोराइड की बजाय अगर हम ले CuBr ले ले, तो यहाँ पर हमारे पास क्या जाएगा, ब्रोमो बेंजीन बन जाएगा। तो लाइक है दिस साइमन रिएक्शन, साइमन रिएक्शन, दीज आर बोथ रिएक्शन टू प्रिपरेशंस ऑफ हेलो एरिंग्स, इसके बारे में काम आती है हेलो एरिंग्स में, दैट इज योर फिफ्थ रिएक्शन। एंड दैट नेक्स्ट इज योर शॉर्टन बार्मर रिएक्शन, सिक्स्थ इज नेक्स्ट इज सिक्स इज योर शॉर्टन बार्मर रिएक्शन। भाई शॉर्टन बार्मर रिएक्शन हमारे एल्कोहल फिनोल में थी, C6H5 जो Cl बेंजीन फिनोल के साथ, OH C6H5COCl, ठीक है, C6H5COl इन द प्रेजेंस ऑफ ए बेस, बेस कौन सा रहेगा हमारे पास, जिसको हमने कहा OH नेगेटिव, क्लियर। और उन्होंने ऊपर आपके पास क्या है, H को हटा दिया और क्या जोड़ दिया, O CO C6H5, ठीक है, जिसका नाम आप लोगों ने लिखा फिनाइल बेंजोएट, क्लियर, बाहर क्या निकल गया HCl। अब थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आ रहा है कि भाई हमारे पास इसमें हम इसकी जगह OH की जगह, अगर हम OH की जगह क्या ले ले भाई, NH2 ले ले, एनामाइन ले लेते हैं, अमाइन ग्रुप, अगर बात ग्रुप की बात करते हैं तो NH2 हमारे पास क्या है, अमाइन ग्रुप है, कैसा है, अमाइन ग्रुप है। तो हमने यहां अगर हम फॉर एग्जाम्पल यहां पे NH2 ले लिया, तो भैया थोड़ा सा चेंजमेंट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा सा क्या बहुत ज्यादा आ जाएगा, भाई हमारे पास क्या है NH है, NH2 भी है, तो आप पास H2 बाहर चला जाएगा और हमारे पास क्या बच जाएगा, ये वो बाहर निकल जाएगा और इसी के साथ C6H5COCl एक बेस के बाद आपके पास क्या बच जाएगा NHCOC6H5 बेंजीन नाइट्राइड हमारे पास, फिनाइल नाइट्राइड या बेंजीन हमारे पास बेंजीन बेंजीन नाइट्राइड, बेंजीन नाइट्राइड कह दो, नाइट्राइड कह दो, नाइट्राइड ग्रुप बन गया बेंजीन नाइट्राइड। ये आपके पास कीजिए और शॉर्टन बार्मर रिएक्शंस, इंपोर्टेंट रिएक्शंस है आपके पास। तो आई थिंक दैट यू कैन डू, यू कैन राइट, लिख लिया होगा आप लोगों ने इनको, नेक्स्ट उलेमन्स रिएक्शन सेवंथ। देखिए आप लोगों ने वुड्स रिएक्शंस, फिटिंग रिएक्शंस, वुड फिटिंग रिएक्शंस, ये रिएक्शन पढ़ी हुई है, तो इन्हीं पे हम बात करते हैं कि एल्काइल हैलाइड को सोडियम के साथ हमने रिएक्ट किया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एंड टू फॉर्मेशन ऑफ एल्केन, दैट इज योर क्या थी आपके पास वुड्स रिएक्शन। उसी पे हमने अगर एल्काइल की जगह हमने क्या ले लिया, एराइल ले लिया, आर एक्स की जगह हमने क्या ले लिया, एक आपके पास
एराइल कंपाउंड ले लिया, बेंजीन के साथ हैलोजन को ले लिया आई, ये स्पेशल केस किसमें आई है भाई, आई के केस में, ठीक है। और इसको किसके साथ किया, कॉपर के साथ किया, कॉपर भी दो वैलेंसी होती है, एक तो इसके साथ चला जाएगा दूसरा वो ले लेते हम, एक इसके साथ चला गया, तो ये आपका जब इन द प्रेजेंस ऑफ आपका अगर हीट करोगे डाइथर की प्रेजेंस में तो हमारे पास क्या बन जाएगा, दोनों बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाएंगी और बाहर क्या निकल जाएगा, टू मोल ऑफ CO आई, ये बन गया आपके पास डाई फिनाइल, क्या बन गया आपका डाई फिनाइल भाई, एक फिनाइल ये रहा एक ये रहा, अगर दोनों को हटा दो तो दो बेंजीन है और दोनों को जब हमने जोड़ दिया इसका मतलब क्या है, ये गुण शेयरिंग का है, शेयरिंग का होता है क्या होगा फिनाइल, बच्चों इसको कहते हैं फिनाइल, ये हमारे पास बेंजीन है ऐसे जोड़ दीजिए ये फिनाइल, या इसको आप C6H5 कह दीजिए, ठीक है ये फिनाइल आपके पास, क्या ये फिनाइल। नेक्स्ट आपके पास 7th रिएक्शन है, किसान को रिएक्शन 7th कंप्लीट 8th रिएक्शन सॉरी, किसान को रिएक्शन, देखिए इस रिएक्शन की एक बात अपने खुद की प्रॉपर्टी होती है भाई, ये आपके पास एल्डिहाइड का स्पेशल केस होता है, हमारे पास इसांगो रिएक्शन में क्या होता है, इसमें हमारे पास सी एच, हमने एल्डिहाइड ले लिया, क्या ले लिया सी एच थ्री सी एच ओ एसिटल एल्डिहाइड हमारे पास, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ स्पेशल इसके लिए कैटलिस्ट देते हैं ऑल थ्राइस हमारे पास एल्युमिनियम में, और आपने क्या किया इसको एस्टर में कन्वर्ट हो जाता है CH3COOC2H5, ठीक है, इसका नाम है, ये तो गए दो कार्बन, ये वाला तो गई थाई, और ये हो गया एक और दो एसिटेट, इथाइल एसिड, ये एक्स रेसिड्यू जो डायरेक्ट आपके पास कन्वर्जेंस में यूज होगी कि भाई इनको एसिड एल्डिहाइड कन्वर्ट किसमें करना है, एस्टर में कन्वर्ट करना है। वैसे हमने रिएक्शन पढ़ी हुई है कि अल्कोहल तब इथाइल अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड मींस एसिटिक एसिड के साथ हीट किया जाता है, मिलाया जाता है, तो वहां पर आपके पास क्या बनता है एस्टर इथाइल एथेनॉइड, ओके एस्टर फॉर्मेशन वही होती है। ऐसे जैसे हमारे पास एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप को हम तोड़ते हैं तो वो क्या निकालते हैं नेसेसरी कंडीशंस उसकी कि भाई वो अपने अंदर से क्या निकालेगा, रिमूव करेगा एसिटिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप बाहर निकालेगा, ठीक है, तो ये आपके पास रिएक्शन है। योर 9th रिएक्शन इज विलियम शर सिंथेसिस, आई होप दैट कि आप इनको आराम से कर भी रहे हैं समझ भी रहे हैं, और जब आप इनको दो या तीन टाइम लिखोगे तो आपके पास क्या हो जाएंगे, आप इनको इजीली कर सकते हो। तो ये जो रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस दैट कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर आपके पास बोथ सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल ईथर्स, ठीक है, ये हमारे पास इसमें यूज होती है अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल ईथर को प्रिपरेशन करने में, टू preparation of unsymmetrical or ether, ठीक है, ये किसमें काम आती है भाई, हमारे पास unsymmetrical symmetrical ether है, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं CH3Br, क्या नाम होगा सी एच थ्री बी आर, ब्रोमोमीथेन या मिथाइल ब्रोमाइड, इसके साथ ही हमने C2H5ONa सोडियम इथोक्साइड, इथोक्साइड सॉरी क्या नाम है सोडियम इथोक्साइड के साथ लिया, तो ये आपके पास क्या बनाएगा CH3O C2H5 बाहर क्या निकाल दिया NaBr, ये बन गया आपका ईथर। नाम देखिए
हमारे पास ही किस्मत रह जाता है हमारे पास, ये हो गया मिथ ऑक्सी इथ ए, क्या नाम होगा मिथ ऑक्सी इथेन, क्लियर नाम इसका मिथ ऑक्सी इथेन, या दूसरा नाम भी कह सकते हो इथाइल मिथाइल इथर, ये हो गया इथाइल, ये हो गया मिथाइल और ये हो गया इथर। देख तीन नाम, ये कॉमन है और ये आईयूपीएसी है। तो ये किसके काम आते हैं विलयन सिंथेसिस, टू स्पेशल केस है हमारे पास अनसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल दोनों निकालने के लिए, ठीक है। दोनों साइड में हमारे पास इक्वल नंबर भी हो सकते हैं कार्बन को अलग भी, तो दैट इज योर रिएक्शन विल बी कंप्लीट विलियमसन सिंथेसिस। एंड नाउ नेक्स्ट रिएक्शन इज योर वुल्फ किसलर, नेक्स्ट नेक्स्ट रिएक्शन टेंथ रिएक्शन इज योर वुल्फ, किसना रिएक्शन, रिएक्शन इस रिएक्शन के बारे में बात करते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है आपके पास, ये हमारे पास, ठीक है। ये एसिटल एल्डिहाइड में ही आती है, एल्डिहाइड कीटोन्स एल्डिहाइड कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर से, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास इसमें, एसिटल एल्डिहाइड को हाइड्रोजन की प्रेजेंस में एसिटल एल्डिहाइड को किसकी प्रेजेंस किया, हाइड्रोजन की प्रेजेंस में NH2, ये आप यूज करते हो ना पी ब्लॉक में NH3 NH2 और NH2OH और N2 पी ब्लॉक में आपने यूज किए हुए, दीज आर द कंपाउंड्स फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट दैट शोज -3 -2 -1 एंड 0 आल्सो, क्या शो करते हैं -3 -2 -1 0 आल्सो। तो भैया हाइड्रोजन की प्रेजेंस में हमने इसको हीट किया, हीट करते ही क्या करेंगे भैया, एक तो H2O और एक इसका ये रिएक्शन, तो क्या निकल जाएगा बाहर H2O और आपके पास क्या बच गया CH3 CH डबल बॉन्ड NNH2, क्या ये बात समझ में आई आपको, क्या बच गया पास एक कंपाउंड बढ़ गया। इसको दोबारा हमने क्या किया पोटेशियम एल्कोहल के वाई के साथ किया, एल्कोहल के साथ करते ही हमारे पास किसमें कन्वर्ट हो गया भैया CH3 CH3, ये बन गया हमारे पास बाहर क्या निकल गया N2, इसमें कन्वर्ट हो गया भाई एल्केन जिसको आप कहते हो इथेन। ये तो हम उससे बनाई थी हमने, अगर ये थोड़ा ध्यान आ रहा है तो मैंने उस रिएक्शन का थोड़ा 2-5 मिनट पहले वीडियो में जिक्र किया हुआ है कि एल्काइल हैलाइड को सोडियम के साथ बनाते हैं तो वो इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर एंड द फॉर्मेशन ऑफ एल्केन, तो ये तो वही बात होगी। तो वो पिछले रिएक्शंस क्या हुई है एसिटाइल एल्डिहाइड ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप को रिमूव कर देती है और वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है सिंपल एलिफेटिक कार्बन चेन के अंदर, ठीक है। यहां हम बात करें तो ये हमारे पास क्या हाइड्रोजोन्स में कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल एल्डिहाइड यानी एसिटिक एसिटाइल या एसिटिक इथेनॉल और आपका ये क्या होगा हाइड्रोजोन में, ठीक है। हाइड्राजाइन जो NH2 NH2 वो हाइड्रोजोन में कन्वर्ट हो गया और वहां पर आपके पास एडिशन KOH के साथ किया और आपके पास क्या बन गया एल्केन। तो यू कैन सी इन माय वीडियो डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिएक्शंस नेमिंग रिएक्शंस इन डिफरेंट आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर्स, तो इनको देखिए एंड टू लाइक माय चैनल्स एंड माय वीडियोस एंड शेयर इट एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।